अलवर गैंगरेप में सियासत लगातार जारी है और इसी कड़ी में राहुल गांधी के अलवर दौरे से पहले भाजपा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने घटना को शर्मसार बताया है और साथ ही सरकार पर अनदेखी का भी आरोप लगाया है। जावड़ेकर ने मणिशंकर अय्यर के बयान पर भी कहा कि कांग्रेस को कितना अहंकार हो गया है कि पीएम को अपशब्द बोल रहे हैं और फिर अपने बयान पर कायम होने की बात कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी हार रही है जिससे उनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। वे जयपुर में आयोजित बीजेपी नेता के विवाह समारोह में शिरकत करने आए थे। 26 तारीख को 5 युवक एक शेड्यूल कास्ट जोड़े को, पति पत्नी दोनों जा रहे, उनको एक तरह से अपहरण करते, महिला के साथ दुष्कर्म करते, उसकी फिल्म लेते, पति को बांधकर उसके सामने, आंख के सामने ये दुष्कर्म करते हैं और ये फिल्म लेने के बाद 29 तक 3 दिन अगले कोई शर्म नहीं, कोई गुनाह का पछतावा या कुछ कुछ भी नहीं, मुंह छुपा के नहीं फिर रहे, जाके उसी पति को ब्लैकमेल कर रहे कि हम फिल्म वायरल करेंगे, आप 10 रुपए दे दो। 30 तारीख को पति पत्नी धीरज जमा करके एसपी के ऑफिस में जाते हैं खुद, क्योंकि पति पढ़ा लिखा है तो सीधे एसपी के ऑफिस में जाते हैं। एसपी 4 घंटे बिठा के रखता है और एफआईआर दर्ज करने के बजाय थाने में भेजता है। 3 को 2 की शाम में, मैंने 30 तारीख के बाद भी 3 दिन जाने देते हैं, 2 के शाम को, 2 मई के शाम को एफआईआर दर्ज होती है। 3 तारीख को आकर वो कहता है कि खुले रूप से आरोपी घूम रहे हैं, तुरंत गिरफ्तार करें, वो तो कोई करता नहीं।